कुछ बेवकूफ लोग होंगे जो उनके साथ जो है गलत करेंगे, जो अच्छे लोग होंगे वो उसको समझा के भेज देंगे, नहीं भाई वो मोहम्मद साहब जो है गलत इंसान नहीं है, वो अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर है, जो अच्छा अच्छे इंसान कितने होंगे वो ऐसे बोलेंगे, मुसलमान जो रोंग हैं, बंदे होंगे। कितने, हाँ एक जी मिनट, कितने मुसलमान हैं जो इस तरीके की बेवकूफी करेंगे? हाँ, बहुत से हो सकते जैसे हैं, मिसाल के बहुत से तौर हो पे सकते हैं। 100 लोग हैं मस्जिद से बाहर निकले हुए, और मैं वहां पे अगर स्पीकर पे ये बोलूं तो कितने लोग, मैं नहीं, आप कह रहे हो मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है, अगर कोई दूसरा इंसान स्पीकर पे ये बोल दे तो 100 में से कितने मोमिन उसको मारने के लिए दौड़ेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप ये सवाल कर क्यों रहे हैं, उसके बाद से तो मैं आपको मैं बताऊंगा बताता भाईजान, हूं, आप ये आप तो मुझसे ये बताइए सवाल ना करने का रीजन तो बताओ। उसमें से। हाँ मैं नहीं, बताता अगर हूं आपके उसमें सवाल से। करने का रीजन ये है कि उनके खुदाओं को किसी ने गाली निकाली होगी तो या करोगे। हाँ ये है, अगर मिसाल के तौर पर साहिल भाई, अगर आप किसी रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में खड्डा है, अगर मैं आपको बोलूं कि साहिल भाई खड्डे में गिर जाओगे साइड होके चलो, तो ये मेरी जो बात होगी जेनुअन होगी भाईजान आपके साथ, क्योंकि नहीं मैं वो आपको आपके चाहता लिए, हूं कि आप सेफ एक हो। हाँ मिनट एक जी, मिनट हाँ जी, भाई, हाँ जी। देखिए अब आप आप सोचो नहीं मैं रास्ते, खड्डे में जाऊंगा तो मेरा यार फायदा है, रुक तो फिर जाओ ना यार, वो रुक और जाओ आपको बुरा मिराज लगे तो ये उसमें टेक्निकल, आपकी नाइन। यार रुक जाओ मिराज टेक्निकल, रुक जाओ। पहली बात तो 90 आउट ऑफ 100, ये कई सारे लोग कह रहे हैं और बिल्कुल सही बात है, 90 आउट ऑफ 100 लोग जो है मुसलमान जो है वो मारने के लिए या मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए जरूर दौड़ेंगे, और इसमें ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मोहम्मद साहब ने जो मुशरिकीने मक्का जिस देवी देवताओं के, खुदाओं की इबादत करते थे, वो जाके उन्हें गालियां देते थे, उन्हें भला बुरा कहते थे, बुरा भला कहते थे। अच्छा अब आपने मिसाल दी कोई खड्डे में गिर जाओ, भाई खड्डा जो है ना नजर आता है आपका, अल्लाह नजर नहीं आता है, खड्डे से उसकी मिसाल नहीं दो, आपका अल्लाह नजर नहीं आता एक है, जिस खड तरीके से, सुन लीजिए, आपके नजदीक दूसरे नहीं, खुदा मैं जो है उसी अल्लाह वो, की बात कर रहा हूँ सुनो ना जिसको आप बोलते हो यार, भाईजान, यार जिसको रुक आप मानते हो, जाओ रब्बुल आलमीन मानते हो जिसको आप, मिराज, रुक मैं जाओ उसी अल्लाह की बात प्लीज, कर। यार रुक जाओ, मैं कह रहा हूं कि हमारे नजदीक आपके खुदा की वैल्यू जीरो है, उसी तरीके से आपके नजदीक कोई दूसरा क्रिश्चियन है या हिंदू है या जो भी है, उनके जो भी खुदा है आपके नजदीक वो फेक खुदा है, ठीक है। तो ये नहीं बताओ, ये एक इंसान की इंडिविजुअल चॉइस है कि उसको कौन सा खुदा सही लगता है वो मान लेगा, ठीक है। अब अगर सिर्फ मोहम्मद साहब इतना काम करते कि भाई मेरे ये जो अल्लाह है ये, इसकी आप इबादत करो, ये सच्चा है, इतना बोलते तो कोई मुश्किल नहीं होता। मोहम्मद साहब जाके जा जाकर उनको, उनकी खुदाओं को, उनके देवी देवताओं को गलत बोलते थे, तो जिस तरीके से आपके मुसलमान अगर साहिल भाई अल्लाह और ये उसके कहाँ लिखा रसूल, हुआ है ये भी बता दो, जब आपने इतना कुछ बता दिखाया देंगे, तो ये भी दिखा बता दो। देंगे, बिल्कुल बता देंगे, हाँ लेकिन जी, आप हाँ जी, अभी वो, दिखा दो मेरे को, कहीं से भी दिखा दो। यार हम बता देंगे आपको, बता देंगे, आप फिक्र ना करो, नहीं लेकिन बता आप नहीं देंगे, वजह आज दिखाई दो समझो। भाईजान, आज दिखाई दो। हाँ अभी अभी का अभी दिखा देंगे, लेकिन आप ये तो कहो ना कि इस तरीके से दूसरे के खुदाओं को अगर आप बुरा भला कहोगे तो वो डेफिनेटली बिल्कुल, हाइपर होगा, वो तकलीफ कुरान में देने तो के लिए बिल्कुल आपको मना किया गया जाएगा। है, मना। हाँ नहीं जी, सुन लीजिए, कुरान में बिल्कुल अच्छा मना किया गया भाई। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुकिए, ये लीजिए। साहिल, एक इंसिडेंट दिखाने के बजाय इनको एक और चीज दिखा दूं मैं, अगर आप माइंड ना करें। जी दिखा दो वो भी, और ये भी चूंकि उन्होंने पूछा है वो हाँ, भी वो एक दिखा देंगे, सिंगल ठीक है इंसिडेंट की बजाय मैं इनको ढेर सारी चीजें देता हूँ ना, और चलो बल्कि इसकी दिखा वजह दो, से हमारे बहुत सारे लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये ठीक है। जी, पूछा गया हमारे शेख साहब से, शेख मोहम्मद साले अल मुनज्जिद साहब से, कि जनाब इस्लाम में क्या ये ऑब्लिगेशन है? ऑब्लिगेशन किसे कहते हैं सर? जरूरी, यानी वाजिब, लाजम, वाजिब, वाजिब। हाँ अरे हिंदी आ गई, साहिल साहब हिंदी में पढ़ लें, ये लें, ये हिंदी भाई पढ़ना चाहते हैं। सर हिंदी में क्या लिखा हुआ है? नहीं हिंदी नहीं है हिंदी ये नहीं, बंगाली है, ओ सॉरी ये माय बैड, बंगाली लग रहा है। अंग्रेजी, वापस अंग्रेजी में जाते हैं। ऑब्लिगेशन टू डिस्ट्रॉय आइडल, इज इट ऑब्लिगेटरी? क्या ये ऑब्लिगेटरी है, क्या लाजम है कि हम तमाम आइडल्स को डिस्ट्रॉय करें इन इस्लाम, इवन इफ दे आर पार्ट ऑफ अ लेगेसी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन? अगरचे वो किसी एक इंसानों की सिविलाइजेशन की वो उसके बारे में बता रहा हूं, आंसर क्या आता जी? प्रेज टू अल्लाह, द एविडेंस ऑफ द
शरिया इंडिकेट्स दैट इट इज ऑब्लिगेटरी टू डिस्ट्रॉय आइडल्स. उसके बाद वो मुस्लिम की हदीस देते हैं 969, मुस्लिम की हदीस देते हैं 832, बुखारी की हदीस देते हैं 3020, मुस्लिम की हदीस देते हैं 2476. उसके अलावा वो दे रहे हैं जनाब नीचे और क्या क्या दे रहे हैं. उसके अलावा प्रॉफिट साहब ने डिस्ट्रॉय किया अल उज्जा को, प्रॉफिट साहब ने डिस्ट्रॉय किया मनात को, ही सेंट आमिर, प्रॉफिट साहब ने आमिर को भेजा कि डिस्ट्रॉय करो सवा को. ये अल बिहादा के निहाल के अंदर 4712 776 583, अल शरिया अल नबविया बाय डॉक्टर अली अल सबानी के अंदर, अल नबविया इन शरा मुस्लिम व्हेन डिस्कसिंग इमेजेस मेकिंग, दे वर यूनैनिमसली यानी कि बगैर किसी तनकीद के एग्रीड दैट व्हाटएवर कॉस्ट अ शैडो इज नॉट अलाउड एंड मस्ट बी चेंज्ड. कि कोई इसके अंदर शैडो डाउट नहीं है कि जो भी करे. और ये जनाब हर किस्म के आइडल्स को कत्ल करने की तबाह करने की ऑब्लिगेशन है इस्लाम के अंदर. और ये ढेर सारी हदीसों और आयत कुरानी सूरह अन-नूर की आयत नंबर 91 और मल्टीपल और चीजें इसके अंदर बता रहे हैं. मैं पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ने जाता. सूरह अरज़ाब के अंदर मल्टीपल जगहों की इन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं. ठीक है, तो ये मैं लिंक भी भेज देता हूँ लाइव चैट में सबके लिए. ये लिंक है. अच्छा, ये जो बातें हैं ये तो खैर ठीक है, जब मोहम्मद साहब के पास पावर आ गया तब की बातें है ना ये लिए. अच्छा, इनको मैं वो भी बता देता हूँ जो मोहम्मद साहब ने शुरुआत में जो पंगे शुरू हुए वो किस वजह से हुए, ये इनको देखना था ना, तो ये भी दिखा देते. ये लीजिए, शेयर स्क्रीन, विंडोज, नहीं एक मिनट भाई जी, ये देखिए, ये है तफसीर इब्ने कसीर और ये तफसीर है कौन सी वाली, सूरे अनाम की आयत नंबर 108 की तफसीर है शायद, एक मिनट रुकिए, ये है हाँ सूरे अनाम सूरे नंबर 6 आयत नंबर 8, इसकी तफसीर में देखिए क्या लिखते हैं. बड़ी लंबी तफसीर है, ठीक है, मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ ताकि जो हमारे भाई है वो तो उनको समझ में आ जाए कि पंगा शुरू क्यों हुआ, लोग उनके पीछे क्यों पड़े. ठीक है, एक मिनट, कहाँ से शुरू है, हाँ, अबू तालिब की मौत की बीमारी के वक्त कुरैशियों ने आपस में कहा कि चलो चलकर अबू तालिब से कहें कि वो अपने भतीजे यानी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को रोक दे, वरना ये यकीनी बात है कि अब हम इसे मार डालेंगे. तो मुमकिन है कि अरब की तरफ से आवाज उठे कि चचा की मौजूदगी में तो कुरैशियों की चली नहीं, इसकी मौत के बाद मार डाला. ये मशवरा करके अबू जहल, अबू सुफियान, नजीर बिन हारिस, उमैया बिन अबी खलफ, उकबा बिन अबू मुहित, उमरो बिन आस और अस्वद बिन बहतरी चले. मतलब नामी एक शख्स को अबू तालिब के पास भेजा कि वो इनके आने की खबर दे और इजाजत ले. इसने जाकर कहा कि आपकी कौम के सरदार आपसे मिलना चाहते हैं. अबू तालिब ने कहा बुला लो. ये लोग गए और कहने लगे आपको हम अपना बड़ा और सरदार मानते हैं, आपको मालूम है, अब सुनो गौर से मिराज टेक्निकल, आपको हम अपना सरदार और बड़ा मानते हैं, आपको मालूम है कि मोहम्मद ने हमें सता रखा है, वो हमारे माबूद को बुरा कहता है, हम चाहते हैं कि आप बुलाकर मना कर दीजिए, हम भी इससे रुक जाएंगे. अबू तालिब ने हुजूर को बुलाया, आप तशरीफ लाए. अबू तालिब ने कहा आप देखते हैं आपकी कौम के बड़े यहाँ जमा है, ये सब आपके कुंबे कबीले और रिश्ते में हैं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें और इनके माबूद को छोड़ दे, ये भी आपको और आपके अल्लाह को छोड़ देंगे. आपने फरमाया खैर एक बात मैं कहता हूँ, ये सब लोग सोच समझ कर इसका जवाब दे, मैं इनसे सिर्फ एक कलमा तलब करता हूं और वादा करता हूं कि अगर ये मेरी एक बात मान ले तो तमाम अरब इनका मातहत हो जाए, तमाम अजम इनकी ममलकत में आ जाए, बड़ी बड़ी सल्तनतें इन्हें खुराज अदा करे. ये सुनकर अबू जहल ने कहा कसम है. अच्छा, मैं ये ऐप में खोल लेता हूं क्योंकि यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट आधा अधूरा है, एक मिनट दीजिएगा. ये लीजिए कुरान
और गो टू आया 6108 और इसकी तफसीर सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, तफसीर इब्ने कसीर, ठीक है ये मैं शेयर कर देता हूं पहले स्क्रीन पे ताकि हमारे भाई को ये ना लगे कि मैं अपनी मर्जी से पढ़ रहा हूं। जी तो अब यहां पे है खुराज अदा करे, सुन के अबू जहल ने कहा कसम कसम है एक ही नहीं ऐसी 10 बातें भी अगर आपकी हो तो हम मानने को मौजूद है, फरमाए वो कलमा क्या है। आपने फरमाया बस ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। इस पर इन सब ने इनकार किया और नाक भू चढ़ाई। ये बात देखकर अबू तालिब ने कहा प्यारे भतीजे, सुनो अबू तालिब ने कहा प्यारे भतीजे और कोई बात कहो, देखो तुम्हारी कौम के सरदारों को तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। आपने फरमाया चचा जान आप मुझे क्या समझते हैं, अल्लाह की कसम मुझे इसी एक कलमे की धुन है, अगर ये लोग सूरज को लाकर मेरे हाथ में रख दें जब भी मैं कोई और कलमा नहीं कहूंगा। ये सुनकर वो लोग और बिगड़े और कहने लगे बस हम कह देते हैं कि या तो आप हमारे माबूदों को गालियां देने से रुक जाएं वरना फिर हम भी आपको और आपके माबूद को गालियां देंगे। इस पर रब्बुल आलमीन ने आयत उतारी। इसी मसलिहत को मद्देनजर रखकर रसूलुल्लाह ने फरमाया वो मलून है जो अपने माँ बाप को गालियां दे। सहाबा ने कहा हुजूर कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली कैसे देगा। आपने फरमाया इस तरह कि ये दूसरे के बाप को गाली दे, दूसरा के बाप को ये किसी की माँ को गाली दे वो इसकी माँ को। फिर फरमाते हैं इसी तरह अगली उम्मतें भी अपनी गुमराही को अपने हक में हिदायत समझते रहेंगी। ये रब की हिकमत है, याद रखें कि सबका लौटना अल्लाह की तरफ है, वो इन्हें इनके सब बड़े आमाल का बदला देगा और जरूर देगा। तो मेरे भाई मिराज टेक्निकल साहब आपके मोहम्मद साहब जो है इनकी खुदाओं को इनके बुतों को बुरा भला गालियां देते थे, अब आप खुद बताओ जिस तरीके से आपके मोमिन हजरात कि अल्लाह और उसके रसूल को गालियां देने पर उस पर हमला करेंगे 100 में से 99.9 लोग, उसी तरीके से अगर आप किसी के खुदाओं को भगवानों को और बुतों को अगर बोलोगे तो जाहिर सी बात है वो भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये पंगा तो स्टार्ट करने वाले आपके खुद मोहम्मद साहब है, अब बताइए आपको क्या कहना है इस पे। साहिल भाई जी, साहिल भाई मैं सर ये आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप जो एक पावर को मान रहे हो वो पावर रॉन्ग है और वो आपको ऐसा वो गलत है, आप इस पावर को मानो या इस खुदा को मानो, तो ये चीज अगर आपको गाली लगेगी कि अरे मेरे खुदा को कह रहा है इसको मत मानो आप, अगर ये आपको गाली लगती है तो इसमें सामने वाले की हो सकती है गलती कोई भाईजान। नहीं नहीं अभी आपको गाली लगेगी बुरा भला लगेगा, बुरा भला लगेगा तो ये बताइए। और अगर आपको हाँ जी हाँ मिराज भाई आप एक कोई एक पॉइंट भी गलत ही नहीं लगा कि हाँ सुनो सुनो मुझे पता वो गलत नहीं लगेगा, मुझे अच्छी तरह पता वो गलत नहीं लगेगा क्योंकि आप उस जगह पे हो नहीं ना। अब एक काम कि आप क्योंकि आप तो भाई ईमान वाले हो, हम तो गर्दन काटने वालों में से है नहीं, तो एक काम कर दिया अपना कैमरा थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ आप कैमरा ओपन कर जी, क्या करूँ सर आप अपना कैमरा ओपन करके ये सुनिए, अरे मसला यही है कि आपको सुनने में बड़ी तकलीफ होती है। आप अपना कैमरा चालू करके वो बोल दीजिए कि जो अहमदियों पे जुल्म किया जा रहा है वो जितने भी मुसलमान उन पे जुल्म करना चाहते हैं सब के सब काफिर हैं। एक मिनट फिर से बोलिए सर, जितने अहमदिया मुस्लिम के साथ ये सारे से जुलम कर रहे हैं वो सारे के सारे काफिर हैं। काफिर तो नहीं कहा जाता, अगर जुलम कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, बहुत ज्यादा गलत कर रहा है और उसकी सजा उसके सारे मुस्लिम रब देगा क्योंकि उसके रब ने कभी कहा ही नहीं कि सारे जो कोई भी गलत कर रहा है। नहीं ना
ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अरब अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, बीच में नॉन मुस्लिम भी आ जाते, क्रिश्चियन भी आ जाते। अगर मुसलमानों, अगर कुछ ऐसे मुसलमान है जो कि दूसरे लोगों को जानबूझ के गलत पहुंचा रहे हैं, हाँ जी वो लोग गलत है सभी के सभी, जो कोई भी है उसमें। अरे यार ये तकरीरें मत किया करो भाई, देखो पॉइंट टू पॉइंट बात किया करो। मैं भी तकरीरें झाड़ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं भी अच्छा गालिब भाई, इनको हाँ एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। मिराज भाई आप बताएं, किसी की इबादत गाह को तोड़ देना कैसा है? अरे यार साहिल भाई कितने रेफरेंस रखोगे पता मैं नहीं एक यार। लास्ट, एक लास्ट मिर्जा गालिब भाई, एक लास्ट, एक लास्ट। उनको ये गाली नहीं लग रही है ना, तो ठीक है तोड़ना भी उनको अब तोड़ना नहीं लगेगा। मिराज टेक्निकल साहब, किसी की इबादत गाह को तोड़वा देना ये आपकी नजर में कैसा है? ये आप अगर इंडिया की बात कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है, पाकिस्तान की यार बात कर रहे पूरी हो तो दुनिया बिल्कुल में, गलत है, पर जहां पूरी पे दुनिया, हाँ हाँ पूरी दुनिया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता हाँ रहा हूँ, ये जी बात अगर कर रहे हो नबी के टाइम की, तो वो जो नबी आया था एक अल्लाह ने उसको भेजा था, ठीक है जी, जो नबी आया हुआ आज से 1400 साल पहले उसको अल्लाह ताला ने भेजा हुआ जी, ठीक है, ठीक है। और वो इसलिए आए हुए हैं, इसका रीजन है कि उन्होंने इस्लाम की दावत देनी है, और इस्लाम के अलावा और कोई दीन है उसको लोगों को बताना है कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है, और ठीक है बताना जब है आने ना वाले टाइम अगर। में नहीं वहां की, हाँ जी नहीं हाँ एक जी, मिनट रुको, एक मिनट रुको और आने मिराज वाले भाई टाइम में अगर, हाँ जी अच्छा साहिल देखो वो तो अभी एक, दिखा दी था, खाली बताने तक नहीं है, वो तो तलवार के जोर पे हाँ कत्लों हाँ के ताल करने पे एक मिनट एडम, एक मिनट एक मिनट, देखो एक होता है कि बताना कि आप लोग गलत कर रहे हो, ठीक है मूर्ति पूजा गलत है, ये तो हो गया बताना। मैं पूछ रहा हूं कि किसी की इबादत गाह को तुड़वाना, तोड़ना, ये आपकी नजर में क्या है? आप कह रहे हो इंडिया पाकिस्तान में कोई करे तो गलत है, लेकिन नबी करे तो सही है, आप ये कहना चाह रहे हो? मैं वही बता रहा हूँ, नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर आप सऊदी की बात कर रहे हो, तो सऊदी में सभी मुस्लिम है, ठीक है, अब वहां पे अगर कोई मूर्ति बनाया गया हुआ है या कुछ है, तो वो उन लोगों की मर्जी है, वो कहेंगे भाई हम तो इससे कोई वो नहीं रखना है, तो वो तोड़ सकते हैं, वो मूर्ति को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो उनका सिटी है, उनका शहर है, वो उनका कानून जो होगा उनका, उस चीज को उनको पहले मानना से अगर पड़ेगा है तो, अगर जहां पहले पे से कोई जो कानून मंदिर होता है है। हाँ जी मिराज भाई, तो हाँ एक जी बात तो ये साफ जाहिर हो गई हाँ कि जी इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, एक बात तो आपने ये कबूल कर ली। अब ये बताइए कि नहीं अगर नहीं वो, मिसाल के या तौर पे रुक आप ये जाओ, बताओ, इंडिया के अंदर अगर कोई कानून बनाया जा रहा है आज आज, और वो पहले वाले कानून को जो है ना रद्द कर रहा है, तो आप बताओ जो आज के टाइम में कानून बनाया जा रहा है वो पहले वाले कानून को कौन अगर सा रद्द कर रहा ऐसा है या देश कोई बता भी चीज है। दो, हाँ एक मिनट मिराज भाई, कौन सा ऐसा देश है, इंडिया जी पकड़ लो या कोई दूसरा देश पकड़ लो, जहां पे आपको रिलीजियन की आजादी नहीं है, आप अपनी मंदिर, आप अपने मस्जिद नहीं बना सकते, एक देश बता दो आप। और अगर कोई देश ये हर रोक जगह दे कि जहां आप तक मेरा मस्जिद ख्याल नहीं है, बना बना सकते हो, आप अल्लाह को अपने नहीं मान सकते हो, क्या आप उस देश को अच्छा देश मानोगे? मानोगे? बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। अब ये बताओ, फिर अगर से मैं अगर सवाल करता अगर हूँ। अगर वो मेरे को रीजन ना बताए कि अगर वो मेरे मस्जिद को तोड़ रहा है और बोल रहा है मेरे तुम इस रब को ना मानो, ये उस इंसान को चाहिए अपने को एक जेन्युइन रीजन दे कि क्यों, अगर वो अरे जेनुअन रीजन नहीं उसके देगा, यार एक हम मिनट अगर वो मिराज बोलेगा भाई तुम जिस भाई, खुदा को मान रहे हो वो खुदा रॉन्ग है, गलत है, उसको मत मानो, तब मेरे को समझ में आएगा, फिर मैं उसको समझाऊंगा, नहीं जी जी जिस खुदा को आप मान रहे हो वो गलत है, तुम्हारे ठीक समझने है, से समझना उसके ही बाद नहीं जब है ना उसको भाई। समझाऊंगा तो वो बोलेगा, एक मिनट मिराज भाई, हाँ एक जी मिनट, ऐसे नहीं होता है। तुम्हारे हिसाब से कोई खुदा सही है, उसके हिसाब से वो खुदा सही नहीं है, ठीक है। अल्लाह जो है अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा कि तुम नहीं, यकीनी तौर पे कह सकते हो कि अल्लाह ही सही है, ठीक है। हर किसी को अपने जहन के लेकिन लेकिन हिसाब से साहिल ये भाई आप बात कह तो रहे हो कि एक समझो पावर है। यार, बात सुनो मेरी मिराज साहब, बात सुनो। मैं कह रहा हूं कि कोई खुदा आपके नजदीक जो सही है, वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी सही है, ठीक है। तो ये आप बात नहीं करो कि आप उसको सही गलत बताओगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक इंसान को या एक कम्युनिटी को अपनी इबादत गाह बनाकर उसमें इबादत करने का हक है या नहीं है? मिराज साहिल भाई मैं भाई आपको जवाब दे तो रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं आपको जवाब दे रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, आज के टाइम में अगर यहाँ पे इंडिया की बात करो, पाकिस्तान की, इंग्लैंड की बात करो, तो वहां के कानून में जो है उसको फॉलो किया जाएगा,
लेकिन ऐसे अगर कानून को सऊदी अरब आप की बात सही करो किया, तो वहां एक के मिनट कानून में जो उसको निराश फॉलो किया जा रहा है, टेक्निकल, एक मिनट किसी को निराश फॉलो आप करोगे टेक्निकल, ना। हाँ जी एक मिनट सब लोग रुक जाओ प्लीज। मिराज टेक्निकल, इंडिया में अगर कानून आ जाए कि आज से मस्जिदें नहीं बनाना है और जितनी मस्जिदें है सबको तोड़ दो, क्या आप सिर्फ इस वजह से कि हिंदुस्तान में ये कानून बना है आप उसको सही मान लोगे? मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा कानून बन ही नहीं सकता सर कभी। ये नहीं, होता लेकिन आपके रॉन्ग कानून, मोहम्मद साहब इसके ने लिए किया जो है ना ना। लोग खड़े हो जाएंगे, एक नॉन मिनट मुस्लिम भी खड़े हो भाई, जाएंगे। एक हाँ मिनट जी रुक हाँ जाओ जी यार प्लीज, एक मिनट रुको। आप कह रहे हो कि ऐसा कानून नहीं बनेगा क्योंकि जो देश है ना हिंदुस्तान जो है ना वो किसी के पास आपकी पावर नहीं मोहम्मद होती की ना। तरह हाँ से। जी यार रुक जाओ यार प्लीज, आप कह नहीं रहे हो नहीं ना नहीं कि हिंदुस्तान, आप यार नहीं समझ पा रहे हो भाई रुको जान, एक मिनट क्योंकि रुको मोहम्मद, यार, एक मिनट रुको अरे प्लीज। नहीं एक मिनट गालिब भाई रुक जाओ। मिराज टेक्निकल, आप कह रहे हो ना कि ऐसा कानून नहीं बनेगा, वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हिंदुस्तान की और जो बाकी दुनिया है ना उनकी सोच इस्लाम से और मोहम्मद साहब से करोड़ों गुना अच्छी है, इसके वजह से वो लोग ऐसे कानून नहीं बनाएंगे। आपकी बात सही है, लेकिन आपके मोहम्मद साहब ने बाकायदा किसी लोगों को भेजकर किसी की इबादत गाह को तुड़वाया है। अगर आप इसको सही मानते हैं तो आपकी सोच पर भी मुझे जो है ना शर्म आती है। सर इस्लाम के आप नहीं अंदर समझ पा रहे हो, आजादी मैं है आपको ही कह नहीं रहा कि हूँ एक जो मोहम्मद, इंसान, जी बताइए मोहम्मद साहब का किसी की इबादत गाह को तुड़वाना ये कैसे नहीं सही मानते हैं आप, ये बताइए। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे वो किस लिए आए थे। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, वो एक दीन कायम करने के लिए आए थे, एक सुनो दीन जो सच्चाई यार, है। जबरदस्ती है क्या किसी मोहम्मद काम में साहब झूठ तो नहीं की? चलता ना भाई जान। एक मिनट मिराज सही टेक्निकल, क्या हाँ ये जबरदस्ती है मोहम्मद साहब की कि हम सबको इस्लाम कबूल करवाएंगे, हमारी सबकी जो इबादत गाह है वो तुड़वा देंगे, ये जबरदस्ती है मोहम्मद साहब की? हेलो, नहीं, आप मेरी बात को फिर नहीं समझ पाए। मैं आपको एक एक मेरे को बंदे स्टार्टिंग से क्यों, सुन लीजिए, मैं उन्होंने क्या कह रहा हूँ। जो इबादत मोहम्मद गाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आए की थे, क्यों हाँ तुड़वाई? आप मैं उसको बता सही रहा हूँ, मानते हैं मैं पहले बता ये रहा हूँ। बताओ। एक होता है, हाँ जी जी मैं बता रहा हूँ, एक होता है सच, एक होता है झूठ। मानते हो इस बात को आप? अरे यार आप हाँ सच जी, झूठ सच और छोड़िए, झूठ अल्लाह अलग अलग सच्चा होते। है, मैं अल्लाह बता रहा वही हूँ ना, आसमान से, यार ये मैं वही बात नहीं बता रहा हूँ। करो। मैंने इसका जवाब दे दिया है कि आपकी हाँ नजर जी में जो सच है जरूरी नहीं हमारे लिए भी सच है, प्लीज ये बात नहीं करो। आप सिर्फ इतना बताओ कि मोहम्मद साहब ने किसी की इबादत गाह को क्यों तुड़वाया? मैं बता रहा हूँ, आप जिस गॉड को मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते एक गॉड को आप? अरे हद है यार, हद है भाई। मैं अपने गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं खान अपनी गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके गॉड की बात कर रहा हूँ। एक मिनट साहिल भाई, साहब आप उस पावर को ने, मानते हो कि नहीं मानते हो ये मैं बताओ। पोपट को सुनो, अपना खुदा मानता हूं। किसको किसको पोपट, पोपट को, पोपट तोता, तोता। मैं तोते को अपना कौन? अच्छा खुदा मानता तोता को आप हूं। खुदा मानते हो? हाँ क्या प्रॉब्लम है बोलो, अच्छा आपको नहीं, प्रॉब्लम है अभी तो उसमें? कुछ टाइम पहले कह रहे थे कि एक पावर को आप, नहीं हाँ ना, अभी मैं तो कुछ तोते टाइम को पहले मान रहा हूं तो, यानी वो आप एक जगह पे नहीं हो कब। अच्छा पावर। यार तोते को वो मान रहे हो वो मैं पावर, पत्थर को मानू, मैं तोते वो को मानू, मैं किसी को भी मानू, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम इस चीज से, आप किसको मानते हो आप ये तो यार बताओ। आपको क्या आप, करना मैं है, ओनली मैं आपकी बात कर किसको रहा हूँ, मानू मैं या दुनिया नहीं वालों की बात नहीं कर रहा मानू? हूँ। आप दूसरे, एक मिनट मिराज साहब, मैं किसको खुदा मानता हूं, मैं किसको खुदा नहीं मानता हूं, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं आपको तकलीफ नहीं दे रहा हूं ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं तोते को मानू, मैं कुत्ते को मानू, मैं बिल्ली को मानू, मैं बंदर को मानू, मैं पत्थर को मानू, किसको भी मानू, आपको क्या करना है उससे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को उससे कुछ नहीं करना, पर जो ओके मेरे माइंड में है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीजन क्यों क्यों आखिर क्यों मेरे को कुछ करना है कि नहीं करना है, इसका रीजन है। मैं हाँ, क्या आपको एक रीजन हदीस है? सुना सकता हूँ। पहले ये हाँ बताइए नहीं, कि हाँ मैं मोहम्मद एक हदीस साहब आपको ने सुना किसी सकता हूँ। की इबादत गाह को क्यों तुड़वाया, आप उसको अच्छा कैसे मान सकते हैं? अच्छा तभी मानेंगे जब हम, हमको पता लगेगा हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। यार वो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना दुनिया में, तुम मैं एक क्यों हदीस, आए, तुम इबादत करने के लिए, तुम दूसरे पे क्यों एक्चुअली थोप रहे हो? एक्चुअली क्या है ना मिराज भाई, आप दूसरे पे लोग कहा,
मक्का में आए, मक्का को थी अभी बोले ना दुनिया में क्यों आए, ये प्रॉब्लम दुनिया को हो रखी है कि आप दुनिया में आए। हाँ जी, नहीं, मैं बताता हूँ, मैं आप लोग मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो। मैं एक हदीस सुना सकता हूँ आपको। सुना, अरे भाई तुम्हारे साहिल भाई कितने हदीस सुनाता हूँ। नहीं सिंपल सी बात बताइए, आप सुनाता हूँ आते हो या नहीं? मैंने आपको इस चीज का रिप्लाई कर दिया हुआ है कि अगर नहीं दिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का भी मंगाते हो या नहीं? मिर्जा भाईयान आपकी, मिर्जा गालिब भाई आपकी आवाज बहुत ही कट रही है, मेरे को समझ नहीं आ रही आप वो क्या कह बोल रहे रहे हैं। हैं आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर ईमान लाते हो या नहीं लाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मानता हूँ। हाँ क्यों नहीं ईमान लाते? क्योंकि आप लोग जाहिल हो, आपके सामने एक आपके में आपकी लैंग्वेज में एक रसूल आपके चला गया और आप लोग जाहिल हो इसलिए आप ईमान नहीं लाते हो। मिराज टेक्निकल साहब वो कह रहे हैं आपकी आप लोग आवाज जाहिल इतनी हुए कट रही है ना ना, बस मेरे को जो जाहिल जाहिल तो सुन रहा है मेरे को। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, वो कह रहे हैं कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को रसूल मानते हैं उनकी नजर में तो आप जाहिल निकले, कि आपकी लैंग्वेज में एक रसूल आया और उसकी बात आप नहीं मान रहे। तो भाई बताना, अच्छा, आपको ये नहीं, बताना अगर ये चाह रहे हैं हम हम लोग, मान सुन लो सकते थे, नहीं, मिराज, हम मान मिराज सकते सुन थे लो, अगर उनकी कोई ऐसी किताब होती, उस किताब के अंदर कोई क्वालिटी होती, और उससे पहले तो एग्जैक्टली हमारे कुरान में मना कर दिया गया है कि कोई आएगा यार ही नहीं। रुको, हाँ जी, हाँ जी, अब हम एग्जैक्टली कैसे मानेंगे। मिराज, हाँ एक जी, मिनट साहिल भाई, नहीं अब मुझे बताओ भाई, उसके आप पास उसको जो है ना दो किताब चार ऐसी बातें बताइए जो कि कुरान में रोंग हो, तो उसके बाद मैं सोच भी सकता हूँ कि यार कुरान तो रोंग है, मैं क्यों मानूँ इस बात को। अरे सुनो उस वक्त हुजूर उसके के बाद पास, मैं सोच सकता हूँ कि हाँ यार। हाँ अरे यार जी मैम, खाना ही आपके खाते कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं, है। हाँ? आप, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही नहीं है। एक अच्छा ये चले गए। मिराज भाई, जिस तरीके से आपके नजदीक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी गलत है, उसी तरीके से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नजदीक और उनके मानने वालों के नजदीक आप गलत है। ठीक है, मसला ये नहीं है, खुदा कोई ऐसा दिखता नहीं है कि उसको एब्सोल्यूट ट्रूथ मान के आप दूसरे की इबादत गाह को तोड़ो। आपकी मेंटेलिटी तो सामने आ गई कि इंडिया पाकिस्तान में कोई अगर मंदिर मस्जिद तोड़े तो वो गलत है, लेकिन मोहम्मद साहब अगर मंदिर तोड़वाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोहम्मद साहब के पास हक था। तो भाई प्रॉब्लम यही हो गया ना कि आप लोग अपनी आइडियोलॉजी थोपना चाह रहे हो किसी पे। मिराज साहब साहिल भाई, मैं आपको, हाँ जी, हाँ जी, साहिल भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक पावर को मानते हो कि नहीं मानते हो। आप साहिल एक सर, बार तो मेरे यहाँ को पर जवाब दे रहे इन्हें हो, मैं तोता को गुस्सा चढ़ना मानता शुरू हूँ, हो कभी जाएगा बोल रहे हो मैं सबको, इसको मानता हूँ। मैं आपकी ये बात कर रहा हूँ। रिपीटेड चीज है, सिर्फ इसको छोड़ दें किसी और को ले लें, मेरा ख्याल है ये रिपीट अच्छा, सिर्फ ले इतना भी बना इनसे रहे पूछ हैं। लेते हैं। हाँ, इनको ये बोल के अलविदा कहते हैं, लोगों के सामने इनकी मेंटेलिटी आ गई, बहुत अच्छे भाई बन रहे थे, लेकिन असल में वही होता है ना कि मोहम्मद साहब जो है आपको अच्छा रहने नहीं देते। मैं आपसे फाइनली एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, आपके नजदीक नहीं मोहम्मद साहब ने भाई, जो इबादत गाह तुड़वाई थी वो आपके नजदीक सही है? मिराज नहीं, वो भाई तुड़वाई कब थी आप ये भी तो देखो, जब वो उनका सिटी हो गया था उसके हाँ तो बाद से वही तो ना, तुड़वाई अगर शुरू है, उससे मोहम्मद, पहले ही तुड़वाई एक थी। मिनट एक मिनट एक मिनट, उनका सिटी हुआ था या नहीं हुआ था? मतलब अगर मोहम्मद साहब का सिटी हो जाएगा तो वो फिर किसी की इबादत का आपको रहने नहीं देंगे, फ्रीडम नहीं है रिलीजन का, ठीक है ना? अगर मैं वही तो आपको बताना चाहता, नहीं मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, जहां पे भी शरिया नाजिल हो जाएगा कुरान का, ठीक है, जहां पे भी, अरे वहां पे मैं भाई ही हाँ वहां पे, वहां पे मुसलमान खत्म हो रिपीट जाएगा नहीं साहिल, उसने करो। बता दी है, उसने बता दिया, वो 100% एक्सेप्टेंस नहीं देगा, वो 3 दफा बता बिल्कुल, चुका है, सिटी हो गई हाँ अपनी तोड़ दो, शरिया नाफिज है तो नहीं बना सकते, तोड़ दो बात खत्म, सब कुछ कह चुका है बस, वो। हाँ, तो फिर मेहरबानी करके आप लोग है ना ये नहीं कहा करो कि इस्लाम जो है आपको अपनी इबादत की
इजाजत देता है, गुंजाइश देता है कि आप अपने हिसाब से इबादत करते हो। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सोच के ऊपर, कुरान के ऊपर। एडम कोई बात करना है इनसे, ये पूछे थे कुरान। नहीं, नहीं यार, वो फुल जलेबी है, उनको दिखा दिया सारा कुछ, जलेबी बनाने में माहिर है। माइक्रोफोन इनका खराब है, कान में दर्द होना शुरू हो चुका है मेरा वो माइक्रोफोन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिराज टेक्निकल साहब। कुरान की गलतियां अगर आपको देखना है तो हमारी बाकी वीडियोस को भी देखिए, हो सकता है कि आपका बंद अकल जो है वो खुल जाए, हम किसी और मोमिन भाई को मौका देते हैं। लेकिन खैर ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जैसे मुसलमान आके इस्लामी ज़हनियत को लोगों के सामने, दुनिया के सामने जो है वो सही तौर पे पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।